हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आज की शुरुआत करते हैं हम लिफ्ट से। अभी बाहर से आ रहा था, इसलिए सोचा आपसे यहाँ से ही शुरुआत करता हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ा सा हटके तो नहीं होगी, शायद ट्राई करता हूँ करने के लिए, पर होता तो नहीं है। तो आज उठ गया था मैं मॉर्निंग में 8 बजे। 8 बजे उठ के एक बंदे ने बुलाया था मेरे को। बंदा बोले तो दोस्त ही है अपना, उसने बुलाया था, बोलता आजा यहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, क्योंकि वो जा रहा है इंडिया। तो इंडिया जा रहा है वो, फिर उसके बाद उसका टिकट विकेट कुछ होगा, 420 का प्राइस चल रहा है अभी। और लुफ्तांसा और एयर इंडिया दोनों ही अभी मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस, बाकी सब दिवाली के उसमें सारा फुल है। तो आज टिकट विकेट उसकी हो गई है, अभी हो जाएगी टिकट। एक्चुअल हुआ नहीं है उसका, पर उसने बुक करके रखा है, तो टिकट भी हो जाएगा उसका। यहाँ पे बोलते हैं लॉकडाउन है, पर पब्लिक खूब तगड़ी है एकदम। ये तैयारियाँ तो है दिवाली की। आज तो तुम लोगों को पता ही है, मंडे मेरी छुट्टी रहती है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बहुत दिन से बताया था कि मैं आप लोगों को अपना नया अकोमोडेशन बताऊंगा, तो आज चलो दिखाई देता हूँ यार। क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा था। पर क्या करें, बैचलर लोग का आपको पता ही है, बैचलर लोग का कमरा कैसा होता है। कोशिश करते हैं साफ सफाई रखने के लिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना। अपना स्टूडियो, स्टूडियो बोले तो ये है बालकनी। कभी कभार यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ बैठ के। और भाई लोग ने कपड़े डाले हैं सुखाने के लिए वहाँ पे। उसके बाद आते हैं अपने किचन में। ये है अपना 4 स्टोव का इंडक्शन, और इसमें हम लोग की कभी कभी चाय बनती है, ऐसे कि मैंने आप लोग को दिखाया भी है बहुत बार। और ये कनेक्शन यहाँ पर गैस की भी है, ऑलरेडी एक गैस कनेक्शन भी है, पर गैस कम ही यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग। हम क्रॉकरी कटलरीज रखने के लिए कुछ सामान अभी हम लोग ने बंदोबस्त नहीं किया, कुछ कुछ प्लेट्स ये सब चीज़। तो ये हो गया हम लोग का किचन, जो हमारे पाजी ने हमको दिया है अभी हाल फिलहाल। और पहले ये लोग रहते थे यहाँ पे, जो ये लोग छोड़ के गए इन फोटो को उसको। और ये है यहाँ पे, सॉलिड है यार देखने में। आप ये देखो, ऐसे ऐसे खुलती हैं ये। थोड़ा बहुत अपने अरेंजमेंट किया है कभी कभार छुट्टी के दिन। तो ये ओवन, वो फ्रिज हो गया, आपको पता ही है। ये अपनी छोटी सी चूली, ये हो गया ग्रिल, ये है ग्रिल। और यहाँ पर हम लोग का ऐसे ही सामान रहता है छोटा मोटा रखा हुआ अपना, पानी पीने का बॉटल, गैस का चूल्हा, ये हो गया उसके बाद छोटा मोटा सामान। तो ये हो गया हम लोग का किचन का कंप्लीट। अब आते हैं लॉबी एरिया में। ये है हमारा लॉबी एरिया, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा डोर, और यहाँ पे ये मैट बिछा हुआ है एक, और हीटर आपको हर जगह पे मिलेगा, देख सकते हो आप लोग। ये यहाँ पर विंडो है। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया लॉबी एरिया। फिर उसके बाद लॉबी के सामने अपना आ गया सामने हॉल। ये है हॉल, हॉल के साथ में एक बेड भी अटैच है यहाँ पे। और एक यहाँ पर अपना आ गया, कभी कोई गेट टुगेदर पार्टी हो गई कुछ स्टाफ की, तो यहीं पे हम लोग एंजॉय करते हैं। और ये हैं 3 हीटर, 3 हीटर भी कंपलसरी है यहाँ पर, क्योंकि ठंडी का सीजन है आजकल, तो हीटर होना भी जरूरी है। और ये हैं 3 विंडो, 3 विंडो सामने। फिर ये है व्यू, नीचे ट्रेनें चलती रहती हैं कभी भी। आप लोगों को दिखाया मैंने 2-3 बार ट्रेन, गाड़ियाँ। ये है हीटर, और ये हीटर को बटन है एक्चुअली यहाँ पर,
जो जर्मनी से देख रहे हैं एक्चुअल उनको तो पता होगा शायद, पर जैसे कोई इंडिया से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्लियरली मैं, तो ये इसको तेज़ करने का है, ये 5 नंबर पे तेज हो गया और ये फिर से स्लो। तो देख रहे हैं आप जैसे कि ट्रेन जा रही है नीचे, घर के सामने का व्यू एकदम एक्सेलेंट है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कभी भी यहाँ पे, पर डोर बंद करके रखना पड़ता है, अगर डोर खुला रखेंगे तो काम हो गया, फिर नींद भी नहीं आएगी। ट्रेन सवेरे 7 बजे से 4 बजे से स्टार्ट। तो अपने ये कमरे पे लगे हैं 3 हीटर, और आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ अभी। ये है फाइनल व्यू हमारे हॉल का, और यहाँ पर एक टीवी आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी टीवी आने के लिए, तो टीवी आने के लिए टाइम है, तब तक आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिखाया जैसे कि यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन लगी है, मैंने बोलना भूल गया आपको, यहाँ वॉशिंग मशीन लगी है और ये ड्रायर है, ये तो आपको पता ही होगा, ये अपना वाईफाई का और रोटर। तो उसके बाद अभी मैं हूँ हॉल में, ये चलते हैं हॉल से अंदर, और ये है अपना बाथरूम का सामने, और यहाँ पर कोई प्लानिंग कर सके तो हम लोग यहाँ पर प्लानिंग करें मंदिर उंदिर रखने के लिए, एक आध फोटो लगा के। एक ये भी है मंदिर रखने के लिए, एक्चुअली ये भी जगह है यहाँ पर मैंने जो आपको बताया अभी, ये भी है, और इसके सामने ये भी है जगह, इसमें भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मंदिर करेंगे, पर अभी हाल फिलहाल हमने यहाँ पर कुछ दूसरा सामान रखा हुआ है, तो जैसे इंडिया में नहीं होता छोटा छोटा वो छोटा छोटा सा बालकनी टाइप में, सॉरी वो क्या बोलते हैं वो कबर्ड टाइप में, तो उसी में मंदिर का भी एडजस्टमेंट हो जाता ना। तो ये हो गया, तो अभी आते हैं हम लोग होते हैं हमारे बड़े बेडरूम में। ये है बड़ा बेडरूम, और यहाँ पर भी 2 विंडो लगी हैं, इसमें भी 2 हीटर हैं, 2 विंडो बड़े वाले, और विंडो का भी सीन आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, विंडो का सीन कैसा है, इससे ये बटन से खुलता है ऐसे, ये बटन से खुलेगा और ये बटन से बंद होगा वो। तो फैसिलिटी तो एक्चुअल जर्मनी का बहुत अच्छी है हर जगह की, और ये हम लोगों का एक बड़ा बेडरूम है, बड़ा वाला बेडरूम जिसमें हमारे पहलवान भाई रहते हैं, ये आगे बाहर आ गए वहाँ से। उसके बाद ये है हमारा बाथरूम में, बाथरूम में भी यहाँ पर हीटर लगा रहता है, ठंडी के टाइम पे बहुत पहाड़ टूट पड़ता है इधर ठंडी का, तो ये है फिर ठंडी के टाइम पे मतलब बहुत ठंडी होती है यहाँ पे ना इसलिए। तो ये अपना सिंक हो गया, ये अपना हो गया पॉट हो गया, इसके अंदर नहाने के लिए, ये यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन है नहाने का, तो ये उसमें भी लग जाता है शावर पे, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, तो मैं आपको छोटा मोटा दिखा रहा हूँ। तो क्या करें आपका भाई, आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते रहता है, आप लोग के साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए आप लोग का ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा, और आपके लिए ऐसा ही कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो कमेंट जरूर करना आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, तो आगे का दिखाता हूँ। तो मतलब हीटर यहाँ पर 100% है, आप लोग देखेंगे कमरे पे फैन नहीं होगा, एक्चुअल कमरे में फैन नहीं है पर हीटर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी कभी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लॉबी एरिया, इतना बड़ा हमको लॉबी एरिया मिला है, उसमें हमने वो ड्रायर भी रखा है और वॉशिंग मशीन किचन में। तो ये हो गया हम लोगों का एक टॉयलेट, और दूसरा टॉयलेट यहाँ पर है, दूसरा टॉयलेट इधर पे है, ये है टॉयलेट, एक टॉयलेट ये है, और अब चलते हैं शेफ के कमरे में। तो ये है मेरा कमरा, उसमें लगा है एक हीटर, एक विंडो, और ये मैट परसों ले गया मैंने, 3 यूरो का पड़ा यार मेरे को, इतना छोटा मैट 3 यूरो का, और एक पिलो भी लेके आया था परसों, एक ये लेके आया, ये अच्छा है एक्चुअली ना। तो ये है अपना बेड,
यहाँ पर आपका भाई सोता है रिलैक्स जो भी है, और अपना भी यहाँ पर व्यू अच्छा है यहाँ पे बाहर में देखने के लिए, गाड़ियाँ चलते रहती हैं इधर उधर और ट्रेन भी दर 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 करते रहती कभी भी, तो अपना विंडो एकदम शट है एकदम टोटली। और ये है भाई का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे, कभी कभार बैठ गया टाइम पास कुछ करना है तो चेयर है, ये आपका भाई का बैठने का जगह, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास जो भी है आप लोग के साथ में। कैसा लगा जरूर बताना मेरे को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो तो कैसी लगेगी, शायद कोई बड़ा सुपरस्टार तो नहीं हूँ मैं एक्चुअल, पर एक ये जो बताने का रीज़न ये है ना कि एक फीलिंग होती है माइंड में कि हम लोग जर्मनी जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर कैसा होगा, क्या होता होगा, कैसा हो? जैसे कि इंडिया में एक ही कमरे में कितने लोग सोते हैं उधर स्टाफ रूम में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कमरे में एक ही बंदा सोता है और एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे सोएंगे उसको बेड के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कहीं नीचे ही सो गया ऊपर ही सो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल, मतलब तुम लोगों को जो भी देखने मिलेगा हटके ही मिलेगा। तो मेरा अकाउंटेशन आप लोगों को यही दिखाने का मकसद था कि इंडिया में जो 4 6 लोग एक 10 लोग एक कमरे पे सोते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग इंडिविजुअल एक एक कमरे पे एक एक लोग रहते हैं, एक कमरे पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग रहते हैं, और एक कमरे पे मतलब ये तो 2 BHK है, तो एक बेडरूम इसका थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है, तो छोटे वाले में मतलब मैं हूँ और बड़े वाले में और 2 लड़के लोग रहते हैं वहाँ पे, और एक जो मैंने दूसरा दिखाया आप लोगों को उसमें भी एक बंदा और रहता है, मतलब हम टोटली 3 आदमी रहते हैं एक एक कमरे पे। तो मेरा दिखाने का मतलब यही था कि इंडिया से यहाँ का जो कंपैरिजन करेंगे, सोच थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना किसी किसी को करके कि कैसा होता होगा वहाँ का अकाउंटेशन, कैसे देते होंगे वहाँ का, ऐसा ही तो नहीं स्टाफ लोगों के साथ में सोना पड़ता है, सबके साथ में रहना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एकदम मजे आते हैं काम करने को यार, दिल खुश हो जाता है जब ये सब चीज़ें देखता है ना आदमी, उसके बाद में दिन पर दिन मौजे करो और क्या, और दिल लगा के काम करो, खुश रखो अपने आप को भी और दूसरों को भी, और टेंशन नहीं देने का ज़्यादा, उसके बाद क्या है जिंदगी कटते रहेगी। तो मैं गया था एक्चुअल मॉर्निंग में दोस्त के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो साथ साथ में मैंने भी थोड़ा शॉपिंग कर ली अपने लिए, शॉपिंग तो क्या करना, मैंने भी ट्राई किया थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कुछ सामान मिल जाए, कोशिश रहती है कभी भी कि एक टी शर्ट तो मैं कभी भी बाहर निकलता हूँ तो एक टी शर्ट तो मैं 100% खरीदता ही खरीदता हूँ, क्योंकि आपके सामने जो आना रहता है कभी भी, तो थोड़ा डिफरेंट हटके थोड़ा ना कोशिश करता हूँ, पर आज टाइम नहीं लगा उतना, बहुत घुमा 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 पर मज़ा नहीं आया कुछ देखने में। उसके बाद आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, तो मैं भी गया था लाने के लिए, ये लेके आया मैंने, तो किसी में जैसे कि ऐसे प्राइजेस लिखा हुआ रहता है, इसमें लिखा 7 यूरो लिखा हुआ है इसमें प्राइस, 7 यूरो का एक्चुअली है, और किसी में प्राइस भी नहीं लिखा रहता तो पता भी नहीं चलता वो कितने का। तो इंडिया में हम लोग वो साइज के हिसाब से देखते थे 85 84, फिर भी इस यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता, मतलब कन्फ्यूजन क्योंकि लिया नहीं ना पहले कभी कि सर कैसे लेना है, तो मैंने लिए ये 3 अंडरवेयर, तो पुराने हो गए थे इसलिए मैंने सोचा चलो चेंज तो करना ही है आज, नहीं तो अपना शॉपिंग आज का यही है, यही लिया और 7 यूरो में। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।